टोक्यो पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने सोमवार को पुरुषों के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता। सुमित ने 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सुमित अंतिल का ये थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले सुमित अंतिल का जन्म 7 जून 1998 को हुआ था। सुमित जब 7 साल के थे तब एयरफोर्स में तैनात पिता राम कुमार की बीमारी से मौत हो गई। पिता का साया उठने के बाद माँ निर्मला ने हर दुख सहन करते हुए चारों बच्चों का पालन पोषण किया। निर्मला देवी के अनुसार सुमित जब 12वीं कक्षा में कॉमर्स का ट्यूशन लेता था, 5 जनवरी 2015 की शाम को वह ट्यूशन लेकर बाइक से वापस आ रहा था, तभी सीमेंट के कट्टों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सुमित को टक्कर मार दी और काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई। इस हादसे में सुमित को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। हादसे के बावजूद सुमित कभी उदास नहीं हुए। रिश्तेदारों में दोस्तों की प्रेरणा से सुमित ने खेलों की तरफ ध्यान दिया और साई सेंटर पहुंचे, जहां एशियन रजत पदक विजेता कोच वीरेंद्र धनखड़ ने सुमित का मार्गदर्शन किया और उसे लेकर दिल्ली पहुंचे। यहां द्रोणाचार्य अवार्डी कोच नवल सिंह से जेवलिन थ्रो के गुर सीखे। सुमित ने वर्ष 2018 में एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया, लेकिन 5वीं रैंक ही प्राप्त कर सके। वर्ष 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसी वर्ष हुए नेशनल गेम में सुमित ने स्वर्ण पदक जीतकर खुद को साबित किया। वहीं सुमित की इस उपलब्धि पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। इस ट्वीट में सीएम ने लिखा कि पैरालंपिक में भी गाड़ दिया हरियाणा के छोरे ने लट। सुमित अंतल ने टोक्यो और पैरालंपिक्स में भाला फेंक कर खेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ स्वर्ण पदक जीत कर हरियाणा वासियों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर उन्हें ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। सुमित, आपके जज्बे को सलाम। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सुमित को ट्वीट कर बधाई दी। हुड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे खिलाड़ी सब पर भारी। टोक्यो पैरालंपिक्स में सोनीपत के लाल सुमित अंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में हरियाणा के साथ साथ भारत का सीना चौड़ा कर दिया। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड और स्वर्णिम जीत की ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। वहीं सुमित की इस उपलब्धि पर उन्हें पूरे देश भर से बधाइयों का तांता लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।